जिसे लोग हॉन्टेड लोकेशन कहते हैं। ये जगह आप जो देख रहे हैं ये हॉन्टेड लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, देखने से तो आपको ऐसा नहीं लगता होगा लेकिन ये वाकई में हॉन्टेड लोकेशन है और यहाँ की कुछ सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची कहानियां हैं। तो मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहना। आप यहाँ का सीन देख ले और आगे में उधर जो देख रहे हैं उधर भी एक जिस तरह खंडर का है। यहाँ आपको दिख रहा है सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन उस खंडर में एक भयानक चेहरा बना हुआ है, पत्थर में एक भयानक चेहरा बना हुआ है। मैं दोस्तों, ये पानी अक्सर यहाँ पे जमा रहता है, कभी कभी गर्मियों में सूख जाता है। तो ये पानी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है यहाँ का जो खंडर है वो। आप देख सकते हैं पानी के अंदर ये जो पत्थर निकला हुआ है, ये पत्थर के नीचे एक खाई है। ठीक है, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक खाई, वहाँ पे एक खाई है। तो ये जो खाई है कोई आज तक देख नहीं सका है कि इसकी जो गहराई है, ये जो खाई का जो गहराई है कितना अंदर तक गया है वो किसी ने अभी तक नहीं जाना है। क्योंकि यहाँ अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक इंसान घुस नहीं पहले सकता है। अजगर रहा करते थे लेकिन अब नहीं रहता है, होगा कोई सांप वगैरह लेकिन पहले बड़े बड़े अजगर, और एक नहीं बहुत सारा यहाँ पे अजगर रहा करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया यहाँ पे जितने अजगर थे कई मर गए, कई भाग गए। खूबसूरत लग रहा है, पत्थर का चट्टान है। तो अब बात करते हैं रियल स्टोरी के बारे में। पहले लोग क्या करते थे कि मिट्टी का घर बनाते थे, मिट्टी का घर बनाने के बाद उसमें वाइट मिट्टी लगाते थे, बोल के वाइट मिट्टी लगाया जाता था जो पेंट की तरह काम करता था। तो वही मिट्टी यहाँ से निकाला जाता था और लोग यहाँ से काट काट के मिट्टी अपने घर ले जाते थे और घर को संवारते थे। तो ये जो खंडर बना हुआ है बस मिट्टी काटने से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ इसलिए कहलाया कि यहाँ पे मिट्टी काटते समय एक औरत जब इस तरह का खंडर बन गया तो उसमें घुसी और मिट्टी काट रही थी, लेकिन ऊपर का जो मिट्टी है धस गया, धसने के कारण वो औरत दब के मर गई। इसलिए इस जगह को हॉन्टेड लोकेशन कहते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ वो भूतिया चेहरा। ये है वो जगह, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मैं बोला अभी कि भूतिया चेहरा आपको दिखाऊंगा, लेकिन सॉरी दोस्तों यहाँ पे वैसा अभी कुछ नहीं दिख रहा है। मैं एक और वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाला हूँ, उसमें मैंने दिखाया है और मैं आपको स्क्रीन में एक पिक दिखा रहा हूँ जो कि यहाँ का है। जी हाँ दोस्तों, किसी तरह का कुछ भी बनावटी नहीं है दोस्तों, बस मैंने उसे थोड़ा सा डिप कर दिया है, फ़ोटो को थोड़ा डिप कर दिया है कि आपको थोड़ा सा सही से समझ में आए। लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी यहाँ पे चाहता हूँ आप लोगों वो से। औरत दब के मरी थी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वो जो देख रहे हैं, ठीक है। उधर ही अभी उधर खाई नहीं है, ठीक है, पूरा समतल हो गया है, लेकिन जब लोग वहाँ पे आते थे मिट्टी काटने के लिए तब खाई टाइप का बन गया था। जब दब के मरी तो उसके बाद फिर उधर कोई नहीं जाने लगा, मतलब कि मिट्टी काटने के लिए आते थे लोग लेकिन उधर नहीं जाते थे। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं आगे नहीं जाऊंगा दोस्तों, इसलिए नहीं जाऊंगा कि आगे मुझे डर लग रहा है, हो सके सांप वगैरह होंगे। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही जगह है, आप देख सकते हैं मेरी अंगुली, आप देख सकते हैं वही जगह है, वहीं पे मिट्टी काटा गया था, ठीक है। और मिट्टी काटते काटते काफ़ी गहराई हो गई थी, तो लोग अंदर घुस घुस के मिट्टी काटते थे। तो उसी समय वो औरत आई, मिट्टी काटी, धस गया और उस औरत का डेथ हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो होने का रहता है वो होता ही है, ठीक है, होनी को कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। तो यहाँ की ये स्टोरी थी। अगर आप लोगों को यहाँ की स्टोरी अच्छी लगी दोस्तों,
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मैं आप लोगों को रियल रियल स्टोरी अपने गांव से रिलेटेड स्टोरी मैं ज़रूर बताऊंगा। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।